नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त बड़ी खबर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कल 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। पर्यवेक्षक बीजेपी विधायक दल की बैठक लेंगे और बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। सुबह तीनों पर्यवेक्षक पहुंच जाएंगे और प्रभारी पहुंच जाएंगे और उसके बाद बैठक होगी विधायक दल की, जिसमें सीएम के नाम को लेकर के चर्चा होगी, राय मशवरा होगा और उसके बाद फैसला ले लिया जाएगा। कल छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, बैठक करेंगे, विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद सीएम के नाम पर मुहर इस बैठक में लग जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं कि कल ही सीएम का नाम जो है सामने आ जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बस आज का इंतजार और करना होगा, कल विधायक दल की बैठक की है, क्या माने कल सीएम के नाम का ऐलान भी हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये अभी सूचना है कि 12 बजे कल विधायकों की बैठक बुलाई गई है। पर्यवेक्षक सुबह 8:30 बजे लगभग पहुंचेंगे, तीनों ही पर्यवेक्षक और साथ में प्रभारी जो है ओम माथुर मांडविया और नितिन नवीन, ये तीनों यहाँ पहुंचेंगे। 12 बजे बैठक ली जाएगी, उद्धव ठाकरे परिसर में विधायकों की बैठक होगी, उनके साथ मंथन होगा और जो नाम लेकर वहां से प्रभार ऑब्जर्वर पहुंचेंगे उन नामों को लेकर 1-to-1 बातचीत यहां पर होगी, फीडबैक लेने की कोशिश होगी और फीडबैक जब कंप्लीट हो जाएगा, ले लिया जाएगा, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को इसकी सूचना दी जाएगी कि क्या फीडबैक आ रहा है और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है नामों का ऐलान कर दिया जाएगा विधायक की बैठक में। तो कल छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा इसका ऐलान यहाँ पर हो जाएगा, उस नाम का पर आखिरी मुहर लग जाएगी। प्रयासों का दौर जो लंबे समय से चल रहा है, कल 12 बजे बैठक के बाद माना जा रहा है कि दोपहर बाद छत्तीसगढ़ को उसका नया सीएम कौन होगा उसका नाम पता चल जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब देखेंगे 20 मिनट 20 खबर। उज्जैन में एक टीचर की क्रूरता सामने आई है, जिसने अपने गुस्से का शिकार दो छात्रों को बनाया, मासूम के साथ बेरहमी की और अब उस बेरहमी का वीडियो सामने आया है। मामला खेड़ा खुजरिया संकुल केंद्र का है, जहां एक प्राचारी ने दो छात्रों को जमकर पीटा। हालांकि वीडियो पुराना है लेकिन ये अब वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र क्लास में क्रिकेट खेल रहे थे, जिससे नाराज होकर टीचर ने दोनों छात्रों को क्रिकेट के बल्ले से पीटा। इस दौरान उन्होंने छात्र पर थप्पड़ भी बरसाए। मारपीट करते हुए स्कूल के बाहर खड़े कुछ लोगों ने खिड़की से मारपीट का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि जिन बच्चों की पिटाई की उनके माता पिता ने अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं की है। अब उस खबर को भी जान लीजिए, जहां एक मुस्लिम महिला को बीजेपी को वोट देना भारी पड़ा। कहते हैं मतदान करना हमारा अधिकार है, हम अपने विवेक से मत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सीहोर में लाडली बहन योजना की लाभार्थी मुस्लिम महिला पर सितम ढाया गया, पिटाई की गई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि महिला ने योजना से प्रभावित होकर वोट की। आरोप है कि उसके साथ देवर ने बीजेपी को वोट देने के चलते जमकर मारपीट की। मामला अहमदपुर के बरखेड़ा हसन का है। महिला ने अहमदपुर थाने में इसकी शिकायत की और जब कार्रवाई नहीं हुई तो वह बुजुर्ग पिता के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब लोकतंत्र के इस पर्व में अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए अपने विवेक से काम लेने की जरूरत है, तो फिर कोई कैसे इस तरह की हरकत कर सकता है? महिला का वोट करना क्या गुनाह था? हालांकि पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में चुनावी नतीजों के बाद बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। पहले राजधानी रायपुर में कार्रवाई हुई, सैकड़ों दुकान तोड़ी गई, अब दुर्ग में बुलडोजर चला है। ये कार्रवाई कोहका क्षेत्र में की गई, जहां अवैध रूप से प्लॉट काट कर बेचने की तैयारी चल रही थी, जिसके बाद नव निर्वाचित विधायक रिकेश सेन के निर्देश के बाद कार्रवाई की गयी। ये एक्शन बता रहा है कि अवैध रूप से जितने भी काम चल रहे हैं अब उस पर लगाम लगने वाली है। अभी तो सरकार का गठन भी नहीं हुआ और बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है।
इंदौर एयरपोर्ट पर दुबई से आए एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। दुबई से आई फ्लाइट से जब तस्कर उतरा तो पुलिस को उस पर शक हुआ। उसकी जांच की गई और पता चला कि वो दुबई से तस्करी कर सोना लेकर आया है। शुरुआती जांच के बाद जब सुरक्षा कर्मियों ने उसका सामान चेक किया तो वो भी चौंक गए। उसके पास से मौजूद पेन, अंगूठी, ब्रेसलेट जैसी कई चीजों में सोना छुपा कर लाया गया था। डिओड्रेंट की कैन में भी सोना छुपाया गया था। कस्टम विभाग देखकर हैरान रह गया। सोने की कीमत करीब 19 लाख है। कस्टम विभाग ने सोना जब्त करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर तस्कर लगातार पकड़े जा रहे हैं। दुबई से आने वाले कई तस्कर पकड़े जा चुके हैं जो सोने को अलग अलग तरीके से छुपा कर लाते हैं। अभी तक पकड़ाए कई तस्करों ने तो सोने को पिघलाकर उसे नया रूप देकर भी यहां लाया है। दिसंबर का पहला हफ्ता बीत चुका है और इस हफ्ते में मध्य प्रदेश में ठंड बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले तीन दिनों में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है, तो वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दो दिनों के अंदर कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी और इसकी वजह पश्चिमी विक्षोभ है। मौसम विभाग ने कहा है कि 11 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते तापमान में गिरावट आ सकती है। शहडोल, रीवा, जबलपुर संभागों के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी समेत 9 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, तो वहीं अभी से ही भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हल्का कोहरा देखने को मिला। आने वाले दिनों में ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों के साथ भोपाल, सिंगरौली, रीवा, शहडोल, डिंडोरी में घना से मध्यम कोहरा पड़ने की संभावना है। बात अगर सबसे ठंडे जिले की करें तो सागर में तापमान सबसे कम 12 डिग्री दर्ज हुआ, तो तैयार हो जाइए और गर्म कपड़ों से लेकर ठंड से बचने के लिए तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर के मध्य यानी 11 दिसंबर के बाद से कड़ाके की ठंड शुरू होने वाली है। एक तरफ सर्दी का सितम, दूसरी तरफ हवा की बेरुखी, मतलब जिंदगी दोहरी मार झेल रही है। ठंड के साथ ही ग्वालियर की हवा और खराब होती जा रही है। हर रोज ठंड बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर का AQI भी बढ़ रहा है। खुले आसमान में सांस लेना मतलब संकट से जूझने जैसा है। ये हालात कोई आज से नहीं बल्कि दिवाली से लगातार जारी है। आमजन परेशान है, बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन निगम और प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदूषण से निपटने के लिए ना कोई एक्शन लिया जा रहा है और ना किसी तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं। ग्वालियर की हवा भगवान भरोसे है। अब बताते हैं कि शहर के अंदर किस जगह की हवा कितनी जहरीली हो गई है। महाराजबाड़ा में AQI लेवल 312 के पार कर गया है, तो वहीं सिटी सेंटर में AQI लेवल 308 तक पहुंच गया है। डीडी नगर में 292 और फूलबाग में AQI 278 दर्ज हुआ है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि सांसों पर संकट आया है। अब देखना यह है कि प्रशासन और निगम इससे निपटने के लिए कब एक्शन में आते हैं। अब आपको नर्मदापुरम लेकर चलते हैं, जहां कोहरे की चादर देखने को मिली। सर्दी आंखें दिखा रही हैं। जिले में पिछले 10 दिनों से बारिश के बाद बादल छाए रहने से कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नर्मदापुरम क्षेत्र में आज सुबह से घने कोहरा छाने के कारण विजिबिलिटी 10 फीट के बाद शून्य हो गई, जिसके बाद 10 फीट के बाद कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कोहरे और ठंड बढ़ने से तापमान में 5 डिग्री की गिरावट हुई है। न्यूनतम पारा 17.7 डिग्री से कम होकर 14.6 डिग्री पर पहुंच गया। सुबह 10 बजे तक सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए। कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रातः 3 दिनों से कोहरे का प्रकोप होने के कारण वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे का असर शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार बादल बने रहने और कोहरा छाए रहने से फसलों में इल्ली लगने की संभावना बढ़ती ही जा रही है। यदि लगातार बादल छाए रहे तो फसलों में इल्ली का प्रकोप बढ़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आगामी दिनों में भी कोहरे की चादर बिछी रहेगी। आने वाले दिनों में तापमान गिरने से ठंड बढ़ने की संभावना है।
पुलिस प्रशासन शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, दावे करते हैं कि तीसरी आंख आप पर नजर रख रही है, लेकिन सोचिए ये तीसरी आंख खराब हो जाए तो जो दावे किए जाते हैं वो कितने सही हैं। सतना में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां नगर में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि 32 कैमरे की आंखें खराब हो गई है, उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन इलाज के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। ना यातायात विभाग, ना प्रशासन, ना कोई और। शहर में आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं और बिना सुराग के पुलिस हवा में तीर भांजती रहती है। अपराधी अपराध कर चंपत हो रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं है जो इन कैमरों को सही करवाए। शहर के प्रमुख चौराहों के सीसीटीवी कैमरे महज शोपीस बनकर रह गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की देखरेख और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निजी कंपनी की है। पुलिस विभाग ने नगर के बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे के मेंटेनेंस के लिए पत्राचार किया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब बंद पड़े कैमरे चालू होते हैं। आग की उठती लपटें ये बता रही हैं कि हादसा बड़ा हुआ है। तस्वीरें महासमुंद की हैं, जहां नेशनल हाईवे 53 में लोहराकोट के पास टैंकर में आग लग गई, जिससे टैंकर धू धू कर जला। आग लगने से टैंकर के फटने की आशंका जताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि केमिकल से भरे टैंकर में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे टैंकर फट गया और आग लग गई। आग लगने से हाईवे पर जाम लग गया, वहीं ड्राइवर और परिचालक ने कूद कर जान बचाई। ये पूरा मामला संकरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ग्वालियर में एक पति पर पत्नी का कहर टूटा है। जब व्यक्ति अपनी मां का इलाज कराया तो उसकी पत्नी इतना नाराज हुई कि उसके साथ मारपीट की। गुस्से में न सिर्फ पति का पत्थर मारकर सिर फोड़ दिया, बल्कि उसे धमकी भी दे डाली कि अगर वो अब अपनी मां से मिलने गया तो उसे जान से मार देगी। डरा सहमा पति थाना पहुंचा। उसकी शिकायत पर गोला मंदिर पुलिस ने पत्नी के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर लिया है। मामला ग्वालियर के गायत्री बिहार इलाके का है, जहां रहने वाले लोकेंद्र कुशवाहा ने थाने में पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लोकेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसका एक मकान शहर के बांदा इलाके में बन रहा है। उस मकान को देखने के लिए वो अपनी पत्नी कल्पना के साथ बाइक से गया था। रास्ते में उसकी पत्नी कल्पना ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। कल्पना इस बात से नाराज थी कि लोकेंद्र ने अपनी माँ का ऑपरेशन क्यों करवाया। पत्नी के गुस्से को देखकर लोकेंद्र ने उसे समझाया और घर चलकर बैठकर बात करने को कहा, लेकिन पत्नी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने पास ही पड़ा एक पत्थर उठाया और पति के सिर पे दे मारा, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। साथ ही कल्पना ने उसे धमकी दी कि अगर वह अपनी माँ से मिलने गया तो जान से मार देगी। भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे दिन जमातियों की भीड़ देखने को मिली। फजर की नमाज के साथ कल इज्तिमा शुरू हो गया था। चार दिन चलने वाले मजहबी समागम का समापन सोमवार को दुआ एक खास के साथ होगा। इज्तिमा को लेकर 125 पंडाल बनाए गए हैं, साथ ही 5 लाख से ज्यादा जमातियों के ठहरने का इंतजाम किया गया है। वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इज्तिमे में आने वाली भीड़ को देखते हुए लगातार कमेटी टेंट की संख्या बढ़ा रही है। कुछ नए पंडाल तैयार कर दिए गए हैं। जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, वैसे वैसे पंडाल लगाए जा रहे हैं। इज्तिमे का पूरा कैंपस 450 एकड़ में है। 300 एकड़ से ज्यादा एरिया में टेंट लगाए गए हैं। वहीं 5 लाख लोगों के आने की संभावना है। खंडवा में खजाने की खोज चल रही है। ये खोज कोई पुरातत्व विभाग वाले नहीं कर रहे हैं, बल्कि खिड़गांव में आमजन कर रहे हैं। दरअसल सूचना मिली थी कि मलबे में घड़ा मिला है, जिसके बाद लोग वहां पहुंचे और मलबे से खजाने की खोज में जुट गए। बताया जा रहा है कि नींव की खुदाई के बाद मलबा फेंका गया था, जिसके बाद रात में ही खजाना ढूंढते हुए लोग नजर आए। लोगों का कहना था कि उन्हें पता चला था कि मलबे में सोने चांदी के सिक्के मिल रहे हैं। इस खबर के बाद वो भी खजाने की तलाश में जुट गए। मामला सामने आने के बाद पिपलौदा पुलिस जांच में जुट गई है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में प्रचंड जीत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। लगातार वे प्रदेश के अलग अलग जिलों में जनता के बीच जाकर उनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। शुक्रवार को वे गुना जिले में राघोगढ़ पहुंचे, जहां उनका अलग अंदाज दिखा। सीएम फ्लाइंग किस करते नजर आए, अपने चहेतों पर प्यार लुटाते नजर आए। देखिए सीएम का अंदाज कैसे लोगों को फ्लाइंग किस दे रहे हैं। इस दौरान वे आम लोगों से भी मिले। हेलीपैड पर लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। बता दें कि राघोगढ़ विधानसभा सीट राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का गढ़ मानी जाती है। यहां अब तक उनके परिवार या उनके करीबी ही जीत हासिल कर पाए हैं। गया में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में 24वें पासिंग आउट परेड की पूर्व संध्या पर मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का आयोजन किया गया। देश की रक्षा के खातिर सीमा पर लड़ने वाले जवानों ने मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले में हैरत अंगेज करतबों को दिखाया। हॉर्स राइडिंग, जिम्नास्टिक और फायर जंप सहित कई कलाओं का प्रदर्शन किया। इसके बाद माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट की ओर से आकर्षक फ्लाई फास्ट, स्काई डाइविंग, आर्मी डॉग शो और मिलिट्री बैंड के प्रदर्शन ने भी राज्यवर्धन स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बताया जा रहा है कि पासिंग आउट परेड में 128 कैंडिडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर पास आउट होंगे, जो सेना में अधिकारी बनेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने बताया कि मल्टी एकेडमी डिस्प्ले काफी बेहतर रहा। साथ ही नौसेना अध्यक्ष ने पासिंग आउट परेड में भाग लेकर सेना अधिकारी बनने जा रहे 128 जेंटलमैन कैडेट्स को भी भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राजधानी दिल्ली में ठंड का दौर ठिठुरन भरी सर्दी में बदल गया। दिल्ली में मौसम की करवट लेने के बावजूद हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। बीते कई महीनों से दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली। हालांकि बीच में बारिश के बाद हवा में थोड़ा बहुत सुधार जरूर हुआ, लेकिन यह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। आलम तो ये है कि AQI बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गया। वायु की गुणवत्ता खराब होने से लोगों का घर से निकलना भी दोभर हो चुका है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने वालों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा। वहीं सर्दी बढ़ने से लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव आया। सुबह कोहरा ज्यादा होने से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई, जिससे लोगों को वाहन चलाने और यात्रा करने में परेशानी हो रही। भारत में बहुत सारे पक्षी उत्तरी एशिया, यूरोप, साइबेरिया और टुंड्रा के क्षेत्रों से बर्फीली सर्दियों के शुरू होते ही लंबी यात्रा कर भारत आकर कुछ महीने रहते हैं। इसी कड़ी में हापुड़ के ब्रजघाट में साइबेरिया प्रवासी पक्षियों ने आना शुरू कर दिया। हजारों साइबेरियाई पक्षी कई किलोमीटर से ज्यादा उड़ान भरने के बाद उत्तर प्रदेश के ब्रजघाट में आए, जिससे घाट की सुंदरता ज्यादा बढ़ चुकी है। ब्रजघाट पर साइबेरिया के पक्षियों के आने से घाट गुलजार है। साइबेरिया के पक्षियों को स्थानीय लोग भी देखने के लिए आ रहे हैं। ब्रजघाट पर सुबह सुबह उड़ते दिखाई देते पक्षियों से घाट पर रौनक बढ़ गई। गंगा नदी में डुबकी लगाने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए मनमोहक दृश्य बना हुआ है। पर्यटकों का कहना है कि जब पक्षी हमारे पास से गुजरते हैं तो एक अद्भुत ही अनुभव होता है। हर साल पक्षियों की संख्या बढ़ रही है। बताते चले कि ब्रजघाट पक्षी अभयारण्य के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। जब भी पक्षी अभयारण्य में पानी का स्तर नीचे जाता है तो डेमोइसल क्रेन जैसे पक्षी ब्रजघाट के घाटों पर आ जाते हैं। ये पक्षी हर साल सर्दियों के मौसम में साइबेरिया से भारत के आर्द्र भूमि की ओर से पलायन करते हैं, क्योंकि साइबेरिया में तापमान उत्तर में गिर जाता है। भारत में सर्दियों के महीने बिताने के बाद पक्षी बाद में अपने घरेलू मैदानों में वापस चले जाते हैं।